हमारे देश में हर साल सांप काटने के बहुत सारे मामले आते हैं और इनमें करीब 80,000 से 1,40,000 के बीच में मौत भी लोगों की हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा होती है, करीब 97% केसेस ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं। लेकिन सांप काटने के मामले में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की हम देखें तो उन्हें ज़्यादातर आसपास में कोई गोगा मेडी होती है वहाँ पर ले जाया जाता है या आसपास के किसी छोटे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से लगातार इस तरह की मौतों की संख्या बढ़ रही है। तो अभी सीकर के बचपन हॉस्पिटल से हमें कॉल आया जहाँ पर दो पेशेंट कल रात इनके पास आए हैं जिनको सांप ने काटा था और इनको इन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं हॉस्पिटल में, मिलते हैं डॉक्टर से और पता करते हैं कि अगर आपके आसपास में भी किसी को सांप काट ले तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए अगर किसी को सांप काटा हो तो। हमारे पास 3 दिन पहले 2 बच्चे आए थे जिनको सांप ने काट लिया था। हमने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और अभी वो दोनों स्वस्थ हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में हम उनका डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ चलिए, मैं उनसे मिलाता हूँ आपको और उनके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। तो ये समीर है, ये हमारे पास 2 दिन पहले रात को 1 बजे आया था। तो मुझे फ़ोन आया था कि कोई बच्चा है जिसने उल्टी करके उसको निगल लिया है, उसका सांस लेना उसका बंद हो गया है, उसके फेफड़े में कोई दिक्कत होकर के सांस लेना बंद हो गया है, उसको सांस नहीं आ रहा है। तो जब मैंने जाके देखा तो बच्चा जो है एकदम से पैरालाइज था, उसकी आँखें पूरी ड्रुप हुई हुई थी, सांस वो ले नहीं रहा था, उसका कलर पूरा का पूरा सफ़ेद हो गया था बच्चा। और जब मैंने उसकी दिल की धड़कन देखी तो वो 20 के करीब थी। नॉर्मल ये 4.5 साल का बच्चा है तो इनकी जो दिल की धड़कन होनी चाहिए वो 100 के करीब होनी चाहिए, पर इस बच्चे की दिल की धड़कन सिर्फ 20 थी। मतलब सांस नहीं लेने के कारण, पैरालाइज होने के कारण जो है बच्चे की धीरे धीरे दिल की धड़कन जो है वो कम हो गई थी, दिल के ऊपर उसका असर पड़ा था और फिर बच्चा अगर थोड़ी देर और लेट हो जाता तो शायद हम बचा भी नहीं पाते इसे। फिर हमने इसके सांस के जो नली होती है जिससे सांस लिया जाता है उसके अंदर ट्यूब डालकर हमने उसे सांस दिया और फिर हमने उसको वेंटिलेटर पे लिया और उसके बाद में उसका जो आगे इलाज होता है जो हम एंटी स्नेक वेनम देते हैं वो हमने उसे दिया वेंटिलेटर के लेने के बाद में। उसके बाद में कुछ एंटीडोट्स होते हैं जो सांप के काटने से जो जहर शरीर में जाता है उस जहर को काटने के लिए कुछ इंजेक्शन्स होते हैं वो हमने इसे दिए और उसके बाद में इसकी जो रिकवरी हुई वो बहुत ही मिरेकुलस रिकवरी हुई, बहुत अच्छी रिकवरी हुई। दूसरे ही दिन हम उसको वेंटिलेटर से निकाल पाए थे और उसके बाद में धीरे धीरे इसको अच्छा होश आ गया, इसकी आँखें जो खुली नहीं रही थी उसकी मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, और वो आँखें अच्छे से खुलने लगी। फिर धीरे धीरे ये पानी भी पीने लगा, खाना भी खाने लगा और सिर्फ 3 ही दिन में इसमें बहुत अच्छा सुधार आ गया है। अब इसके पैर में थोड़ा सा घाव है, उसको थोड़ा सा भरना है, बाकी बच्चा काफ़ी स्वस्थ है अभी, तो 1-2 दिन में हम इनकी छुट्टी भी कर पाएंगे। ओके, समीर के फादर हमारे साथ में है। सर आप बताएंगे क्या हुआ था, मतलब जैसे स्नेक बाइट का जो केस है तो कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, क्या सिचुएशन सर? क्या हुआ था कि ये रात को सो रहे थे खाना खुना खा के, 11 बजे लगभग अचानक ये इसकी रोने लग गया। तो रोते तो हमने देखा भाई रो क्यों रहा है, तो इसको पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला पेट दुख रहा है। तो हमने इसको थोड़ा पानी पूनी पिलाया, फिर पानी पिलाते इसको उल्टी हो गई, उल्टी होने के बाद एकदम बेहोश हो गया। हम सब मेरे पिताजी थे और थे सब, यानी उनकी बीपी वापी सब हो गई, वो उनको घर वालों को होश नहीं रहा किसी को। हमारे पास में एक कंपाउंडर रहते थे वो आए, उन्होंने इसको आत्मात गाड़ी बुलाई और डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, बोला हम बच्चे को लेके आ रहे हैं तो आप वहीं रहना, मिल पाओगे नहीं मिलोगे। तो डॉक्टर साहब बोला ठीक है वहीं हम, उसने सर हमारा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है तो 20 किलोमीटर की दूरी में वो अपने उसको मुँह से सांस देते हुए यहाँ तक पहुँचाया। बड़ी मुश्किल से यहाँ से पहुँचने के बाद में हमने तो एकदम उम्मीद छोड़ दी थी। फिर डॉक्टर साहब और उन्होंने अपना इलाज शुरू किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया जो अभी आपके सामने सर। तो ये बहुत ही बहादुर बच्चा है, ये पेड़ियों पे चल रहा था, अंदर हवेली में गया था अंदर में, तो अंदर गया तो इसको सांप ने काट लिया। फिर इसने देखा सांप ने काटा, उसके बाद में ये अपने छोटे भाई को वहाँ से लेके बाहर आया, इसने आके घर पे आपको बताया था, दादी को बताया कि मुझे सांप ने काटा और अपने छोटे भाई को लेके आया, बोला इसको संभालो अंदर सांप है। उसके बाद में इसको सब लेके हमारे पास आए
तो आपको आधा घंटा हो गया तो होगा आते में, तब तक इसकी जो सांस के जो मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो गए थे, तो इसको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई थी। और ये बहुत ही जल्दी ये लोग लेके आए, इसके लिए बच्चा थोड़ा सा ठीक था, अगर थोड़ा और लेट होता तो फिर जो सांस एकदम से बंद भी हो सकता था और परेशानी ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन जब हमारे पास आया तो बच्चा सांस ले रहा था लेकिन बहुत मुश्किल से ले रहा था और बहुत परेशानी हो रही थी उसको, तो हमने उसे वापस जो है सांस की नली में ट्यूब डालकर उसको वेंटिलेटर पे लिया। और उसका जो आगे का इलाज होता है जो उसको एंटी स्नेक वेनम हम देते हैं वो दिया, और उसको भी हमने एंटीडोट्स चालू किए जो सांप जो जहर होता है सांप का उसको ख़त्म करने के लिए जो इंजेक्शन्स होते हैं वो दिए। और उसके बाद में धीरे 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 बच्चे के अंदर बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आया, फिर बच्चा वेंटिलेटर से भी निकल गया। और उसके बाद में इसके जो पैर में जो जहाँ से सांप ने काटा था वहाँ पर काफ़ी सूजन वगैरह आ गई थी और ब्लड इकट्ठा हो गया था, तो उसका भी हमने ट्रीटमेंट किया, तो अभी उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। तो अभी हमने जाना कि किस तरीके से दो बच्चों को सांप काटा था जिनको, उनको कैसे बचपन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ट्रीट करा, और अब हम डॉक्टर्स से बात करके ये पता करेंगे कि अगर इस तरीके का केस हमारे आसपास में कहीं हो तो हमें सबसे पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्या सावधानियां बरतते हुए हमें उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है ताकि बच्चे की या किसी की भी जान को बचाया जा सके। और बरसात के मौसम में इस तरह के केसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे समय में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सके, इसके बारे में भी हम बात करते हैं डॉक्टर से। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा सांप के काटने के केसेस आ रहे हैं, तो आजकल नाइट में जब बच्चे सो रहे होते हैं उस टाइम या खेलते टाइम बच्चों को सांप काट लेता है। तो सांप कई बार बच्चों को सांस लेने में दिक्कत करता है, कई बार उनके ब्लीडिंग होती है या कई बार उनको बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। ये जहरीले सांप 30% ऑफ टोटल सांप के काटने के केसेस में होते हैं, तो ये 2 से 3 टाइप के केसेस सांप काटने में आते हैं। यदि कोई सांप काट लेता है तो उस जगह को, सांप काटने की जगह को छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको स्थिर रखना है, इमोबिलाइज करना है, और कोई बहुत टाइट कपड़े से उसको बिना बांधे हुए आपको गाड़ी में बिठा के तुरंत पास के हॉस्पिटल में लेके आना है। कि जिस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा या एंटी स्नेक विनम जो एंटीडोट है सांप के काटने का वो अवेलेबल है, आपको वहीं बच्चे के इलाज के लिए लेकर जाना है। क्योंकि यदि टाइम पर हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो बच्चे को, सारे सांप जहरीले सांप के काटे हुए बच्चे को भी बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है। ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी थी अगर आपके आसपास में फैमिली में किसी को सांप काट ले तो। तो आगे से उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और डॉक्टर के बताए तरीके के अनुसार ही आप किसी भी सांप काटे हुए पेशेंट को आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। आसपास में आप पता करके रखें ताकि किसी के भी कभी भी काम में आ सके कि कौन से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी समय रहते इलाज मिल सके और उसकी जान को बचाया जा सके। सीखे संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।